गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज डेट है 21 जून ऑफ 2020 और काफ़ी दिनों बाद मैं घर से निकला हूँ। मतलब ऐसे तो घर से निकलता हूँ बट काफ़ी दिनों बाद मतलब पहाड़ देखूंगा। आप सोच सकते हैं लॉकडाउन के लिए हम लोग 3 से 4 महीना तक घर पे है। तो आज हम लोग जा रहे हैं दुधिया, 4 दोस्त मिल के हम लोग खपराइल वाला रोड से अभी जा रहे हैं। और अभी टाइम जो हो रहा है वो सुबह का 6:30। और अभी आप देख सकते हैं हम लोग आर्मी एरिया में पहुंच चुके हैं। ये रोड ही खाली ओपन है और 1-2 बूंद बारिश भी गिर रहा है, तो कैमरा का लेंस पे पता चल रहा होगा आपको। शायद कैमरा का माइक खोलना होगा। GoPro का माइक अडोप्टर है वो मैंने खोल दिया क्योंकि ख़राब हो जाएगा। माइक अडोप्टर लगाने से GoPro वाटरप्रूफ नहीं होता है, तो अभी तो फुल्ली वाटरप्रूफ हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है। बस आज मुझे जाना है दुधिया, तो चलो फिर अभी चलते। क्या ज़बरदस्त वाला बारिश हो रहा है यार। काम था तो हो गया कंप्लीट और अभी चल रहे आगे। बारिश हो रहा है जबरदस्त वाला एकदम खास। मैंने GoPro का जो माइक है वो माइक खोल दिया। माइक नहीं खोलने से कैमरा का क्या हालत हो जाएगा आप सबको पता है, जो लोग GoPro यूज करते हैं। यार क्या बारिश हो रहा है रे, मजा आ गया मजा। Thank you.
सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच गए दुधिया। और आप जो इतना अच्छा वेदर देख रहे हैं, एक घंटा बाद हम लोगों को इतना अच्छा वेदर मिला। आप देखो काफ़ी अच्छा है और नीचे का पानी का बहाव देख सकते हो, उस तरफ काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग पहाड़ आए, अराउंड 100 से 120 दिन बाद। और नज़ारा तो देखो यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे बंद करके रखा है वो लोग, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था इसीलिए। तो चलो, अगर होता है तो मैं नीचे जाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है वहाँ पे। कुछ आदमी है, उनसे जाके पूछते हैं, अगर नीचे जाने देता है तो ठीक है, मैं आपको और भी अच्छा से दिखाऊँगा। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, इतना दिन बाद पहाड़ पर आया हूँ, क्योंकि घर में अच्छा नहीं लग रहा था। और कल रात को मैंने ये टारगेट कर लिया था, अगर कुछ भी होता है, बारिश आता है, कुछ भी आता है, तो कल तो निकालना है सुबह 5-6 बजे हम लोगों को। तरोज कैसा लग रहा है, इतना दिन बाद पहाड़ आ गया आपको? बारिश में बहुत अच्छा लग रहा है, भींग भींग के घूमना। कल रात को हम लोग क्या सोचे थे? कल रात में प्लानिंग किए, सुबह सुबह निकल गए। बारिश तो कुछ नहीं, बारिश भी हुआ रास्ते में, लेकिन फिर भी हम लोग रुके नहीं ना, एकदम चला आया। हम लोग का टारगेट यही था, बारिश हो कुछ भी हो, टारगेट भी हो जब भी हो, लेकिन अभी वेदर अच्छा कर दिया हम लोग को, मतलब फोटो उठाने का, वीडियो करने का टाइम दे दिया। क्योंकि एक घंटा बाद हम लोग को इतना अच्छा हो जाएगा। बारिश आ भी जाता है तो दिक्कत नहीं है, हम लोग फोटो उठाना था उठा लिया, सब कुछ कर लिया, खाना भी हो गया। वही बात है। तो चलो फिर चलते हैं, हम लोग कुछ देर में यहाँ से निकाल जाएंगे और भी कुछ फोटो वोटो लेंगे, देन उसके बाद निकाल जाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा आए थे दुधिया का, जहाँ पे पिकनिक होता है उस स्पॉट में। यार कंडीशन देखो, बारिश में क्या हालात हो गया। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद पहाड़ पे आया हूँ, तो बारिश को थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। बारिश में भी एक अलग मज़ा है, हर चीज़ में आपको मज़ा ढूंढना ज़रूरी है, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए।